ये बिजनेस ना मेरे सीनियर का है, ये बिजनेस ना मेरे जूनियर का, ये बिजनेस मेरा है। वो मेरा कॉल था, मुझे वहां पे पहुंचना था, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू मेरा कंपनी है, स्मार्ट वैल्यू मेरा भविष्य है, ये मेरा करियर है, इसमें मेरी जिंदगी लगी हुई है, मुझे अपनी जिंदगी स्मार्ट वैल्यू से बनाना है। मेरा सीनियर क्या बोल रहा है, मेरा जूनियर क्या बोल रहा है, मेरा सीनियर बोलेगा तब मैं बिजनेस करूंगा, मेरा जूनियर बोलेगा तब मैं बिजनेस करूंगा, इस चीज से बिजनेस नहीं होता। ट्रेनिंग में कोई फोरेंसिक के बारे में बात ही नहीं करेंगे, एसटीपी के बारे में बात नहीं करेंगे, इनवाइटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, फीडबैक के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी सभी लोग खुश हुए, देखिए बहुत सारे लोगों का हंसी जो था वो अभी तक नहीं था, अभी आ रहा है। जैसे ही पता चला कि इनवाइटिंग के बारे में बात नहीं होगा, फीडबैक के बारे में, एसटीपी के बारे में बात नहीं होगा, दिल खुश हो गया। सादा ये तो अपने दिल खुश कर दिया। अभी बताइए क्या करना है। आज हम लोग कोई फोर बेसिक के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फोर बेसिक सिखाने के लिए आपके पास बहुत सारे सीनियर्स हैं, आप लोग सभी चीज जानते हो। आपको इनवाइटिंग क्यों करना है ये मेरे को बताना नहीं है, आपको पता है। जब भूख लगता है, जब प्यास लगता है, प्यासे को भूखे को समझाना नहीं पड़ता, कैसे पानी पीना है, कैसे खाना खाना है सिखाना पड़ता है। जरूरत पड़ती है तो हम समझ लेते हैं, हम सीख लेते हैं, हाँ या ना। तो आपको अगर इसकी जरूरत समझेगी कि ये मेरा करियर है, ये मेरा भविष्य है, और यहाँ से मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, और यहाँ से मुझे अपने लाइफ में एक बड़े जगह पे पहुंचना है, ये चीज अगर आपके लिए क्लियर होगा तो आपका ये चीज एकदम सिंपल सी बात है कि आप कुछ भी कर लो आपका बिजनेस बनेगा ही बनेगा। आपको सीनियर पुश नहीं करेगा, आपका जूनियर पुश नहीं करेगा, लेकिन आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे, ये पक्का है। अगर आपने समझ लिया कि मुझे ये स्मार्ट वैल्यू बिजनेस क्यों करना है, ये स्मार्ट वैल्यू से मेरे को काम काहे करना है, ये इनवाइटिंग एसटीपी फीडबैक क्यों करना है, ये चीज समझने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, बहुत सारी बातें हम बताते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हमारी बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपको लगता क्या है, निशान भाई बता रहा है इसीलिए ताकि आप इन्वाइटिंग करोगे तो निशान भाई का घर बनेगा, मैं काम करूंगा तो मेरे सीनियर को पैसा, ऐसा नहीं है भाई। आप काम करोगे अपने लिए, और आपको लगता है ये लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, ये लोग हम लोगों को काम कराने के लिए कुछ भी बोल देते हैं मोटिवेट। नहीं, मैं आज कोई बात नहीं करूंगा, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं। आप अपने आंखों से देखोगे, ये सारे जो फैक्ट्स है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाओ डेटा रिसर्च करो तो आपको ये पता चल जाएगा। आप लोगों को ये पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि आप लोग जब ऑनलाइन रहते हो, जब आप लोग व्हाट्सएप में रहते हो, फेसबुक में रहते हो, इंस्टाग्राम करते हो, यूट्यूब करते हो, आपका ध्यान काम के चीज में नहीं रहता, आपका ध्यान सब बेकार चीजों में लगा रहता है। आपको कोई गाना देखना है, किसी का डांस देखना है, किसी का टिकटॉक वीडियो देखना है, किसी का रील्स देखना है, किसी का यूट्यूब शॉर्ट्स देखना है, आपको सिर्फ मजे की परी है, आपको सिर्फ मजा चाहिए, आपको सभी कुछ पता है लेकिन आप समझते नहीं हो। तो इन सभी चीजों को एक जगह पे इकट्ठे करके मैं आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया हूं, तो आप लोग ये चीज देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज हम लोग कहाँ पे है, स्मार्ट वैल्यू हमको क्या दे सकता है जिंदगी में, हमको जिंदगी में आगे क्या करना है। तो मैं प्रेजेंटेशन के जरिए वो चीज शेयर करूंगा। सबको दिख रहा है? हाँ दादा, दिख रहा है। ओके, चलिए स्लाइड क्या है, स्लाइड है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आज भारतवर्ष में जो बेरोजगारी है ये क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि भारतवर्ष का देश दिख रहा है और इस देश से लाखों करोड़ों लोग हर रोज निकल रहे हैं, और जो बेरोजगारी का जो लाइन है वो हर दिन लंबा होता जा रहा है, हर दिन लंबा हो जा रहा है। ये है आज भारतवर्ष की
सही में पहचान। आज भारतवर्ष में रियलिटी क्या है, ये रियलिटी आज मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। आज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया किस हिसाब से है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है ये दो तरीके का कारण से है। ये जो बेरोजगारी है, ये जो प्रॉब्लम आज हम लोग देखते हैं, हर कोई बंदा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सारे जगह पे जाओ, लोगों को रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। इस चीज के पीछे दो कारण है। पहला कारण है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा, पहला है जॉब्स के जो रास्ते है वो बंद है, क्लोज्ड है। और दूसरा क्या कारण है, ले ऑफ इन जॉब्स, जिनको जॉब है उनको लात मार के निकाला जा रहा है। अब देख रहे हो दो पार्ट है, एक तो जॉब मिल नहीं रहा है, सारे दरवाजे बंद है, और दूसरा है दरवाजा अगर खुलता भी है तो किसी को लेने के लिए नहीं, किसी को धक्का दे के बाहर निकालने के लिए। तो दो पहलू के वजह से ये दो चीज इकट्ठे हमारे समाज में चल रहा है, और इसी वजह से आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, लोगों के अंदर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लोग 2,000, 5,000, 10,000 के लिए तरस रहे, इसके पीछे कारण ये है। तो हम लोग दोनों पहलू को लोगे बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये नौकरी का हालत है, ये सारे दरवाजे बंद किए हुए, रास्ते बंद किए हुए, और उसका हालत प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या है। हम लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बीबीसी न्यूज में दिखा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट इन 45 ईयर्स, पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आज इंडिया में है। आपको नीचे दिख रहा होगा, दीदी हमारा के वॉकी तो गज्जो पत्ती नहीं, गिव अस जॉब और गिव अस बुलेट, हम लोगों को या तो नौकरी दो या तो गोली से मार दो। ये वो लोग हैं जो लोगों ने 12 साल 15 साल 16 साल 18 साल पढ़ाई किया, बड़े बड़े एग्जाम में बैठे और एग्जाम में पास भी किया, और उसके बाद भी इसको नौकरी के नाम पे क्या मिल रहा है, घंटा ठेंगा बाबा जी का ठुल्लू। ये सारे लोग हैं जो आज अनशन कर रहे, हंगर स्ट्राइक कर रहे कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक हम एक बूंद पानी का नहीं पियेंगे। हम लोग बचपन में सुनते थे, जब हिस्ट्री पढ़ते थे, कि हंगर स्ट्राइक करते थे लोग, देश को हमको स्वराज चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, इसीलिए बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे, और वो करते करते मर गए, फिर जाके देश को नौकरी मिला, फिर जाके देश को आजादी मिला। और ये लोग भी वही चांस में है कि हंगर स्ट्राइक कर लेंगे, एक बूंद पानी का भी नहीं पियेंगे और फिर जाके नौकरी मिल सकता है। इस हालत में आ गया इंडिया का हालत। लेकिन दुख की बात क्या है, ये हमारे आसपास अगल बगल में हो रहा है। आज वेस्ट बंगाल में अगर गांधी मूर्ति के नीचे बैठ के कोई अनशन कर रहा है तो कहीं पे शिवाजी के मूर्ति के नीचे कर रहा है, कहीं पे नेताजी के मूर्ति के नीचे कर रहा है। इंडिया का हालत सेम है। पीएचडी पास अनएम्प्लॉयड, अब देखिए पंजाब का हालत है, बीएड पास बेरोजगार। वी नीड जॉब्स, हम लोगों को नौकरी चाहिए, ये बोल के खाने का नहीं है, रास्ते में निकल गया है खाना पकाने के लिए। हालत आज लोगों का ये चीज है। लेकिन दुख की बात ये है, ये सारी चीज रियलिटी है, हम लोगों को पता है, लेकिन दुख की बात ये है, आज इस ग्रुप में, इस ट्रेनिंग हॉल में अगर 100 लोग प्रेजेंट है, 200 300 लोग प्रेजेंट होंगे, ये सारे लोग जागे जागे सो रहे हैं, इनका नींद नहीं खुल रहा। ये सब चीज देखने के बाद भी ये समझ नहीं रहे कि आज हमारा भविष्य कितना कठिन परिस्थिति में है। आज पीएचडी पढ़ाई करने वाला, एक बीएड कंप्लीट करने वाला, एक डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला, एक ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री करने वाला मार्केट में 5,000 नहीं कमा पा रहा है, और हम लोग 10th पास 12वीं पास ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इतना पढ़ाई किए है, और हम लोग अपने सपने में जी रहे हैं कि अपने जिंदगी बन जाएगी। कैसे बनेगी भाई, ये जो सिचुएशन है ये और खराब हो रहा है। मेरी बातों का नहीं, आप अपने स्क्रीन में फोकस करो तो आपको फैक्ट्स दिखेगा। देखिए आप, फैक्ट्स आपके आंखों के सामने है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2017-18 में 20 से 24 साल, जो आज इस ट्रेंडिंग हॉल में है जितने सारे लोग, देख लीजिए आप लोग, 20 से 24 साल लोगों में डबल हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार क्या हालत। 2017-18 में था 21% लोग, 2018-19 में 30%, 37%, 39%, 2021-22 में 42%, और आखरा ये बता रहा है अभी हालत ऐसा है 2022-23 में ये 50% से ऊपर जाने वाला है। मतलब 20 से 24 साल के उम्र के जो लोग, जिनको नौकरी मिलना चाहिए, जिनको एक रोजगार मिलना चाहिए, उसमें से आज के डेट में करीबन 40-50% लोग, मतलब 100 में से 50 बंदा, कोई भी काम उनको नहीं मिल रहा है।
या तो प्राइवेट जॉब पकड़ लीजिए, या तो गवर्नमेंट जॉब पकड़ लीजिए, या कोई छोटा मोटा बिजनेस पकड़ लीजिए, छोटा मोटा रोजगार पकड़ लीजिए, कोई भी नहीं कर पा रहा है। ये चीज आप देखिए और अपने आप से पूछिए। 2017 में था 21%, 21%, और 2005 साल के अंदर 42% हो गया। जैसे 2023 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, ये संख्या बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा? आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये संख्या हमेशा हर रोज हर दिन बढ़ता रहेगा। इसके पीछे आपका आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े टीज मार खान क्यों ना हो, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेरोजगारी हम लोगों को ऐसे जकड़ ली है, यहां से बचने का कोई जरिया है ही नहीं। मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ? और सोच के देखिए, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, और आज हम लोग जो यहाँ पे ट्रेनिंग में है, मेरे को जो दिख रहा है यहाँ पे सारे कोई बूढ़े बैठे नहीं है। यहाँ पे कोई 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र के लोग बैठे नहीं है। यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं सब 20 से 24 साल के उम्र के अंदर ही है। और ये देख के भी आपका अगर अंदर से आवाज नहीं आता, अगर आपको डर नहीं लगता, तो मेरे को पता नहीं कि आप इंसान हो या कुछ और हो। अब सोच सकते हो, 42%, 100 में से 42% लोगों को 2021-22 तक एक फुटी कौड़ी का रोजगार समाज नहीं दे पा रहा है, सरकार नहीं दे पा रहा है, प्राइवेट हमारा समाज सोसाइटी नहीं दे पा रहा है। ये हो गया है आज के दिन का हालत। अभी चलिए, ये चीज अगर आज के दिन का हालत हो गया है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो गया अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के साथ नौकरी का कोई ताल्लुकात नहीं है। कोई बीए, बीएससी, बीकॉम, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, उससे कोई नौकरी आने नहीं वाला, क्योंकि दुनिया बदल चुका है, पूरी दुनिया अलग हो चुकी है। हम लोग अभी भी आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल का पुराना पढ़ाई करते हैं, हमारा एडुकेशन सिस्टम को अपडेट नहीं मिला। हमारे मोबाइल को अगर 6 महीना अपडेट नहीं मिला, तो मोबाइल बिगाड़ के घर बैठ रहे, आपका काम नहीं करेगा। और आपके एजुकेशन सिस्टम को 20 साल 30 साल से अपडेट नहीं मिला, आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपका एजुकेशन सिस्टम काम करेगा? मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? चलिए, इसके बाद देखते हैं, मैंने जो बताया था अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम 2021 में, मई में, जून में, जुलाई में पूरा स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, ऑल इंडिया में कितना है, अर्बन सेक्टर में कितना है, कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितने सारे लोगों को नौकरी जा रहा है, इसका पूरा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि आप मेरी बात मत सुनो, ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बीबीसी है, टाइम्स नाउ है, एबीपी है, ये सारे रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद ये पब्लिश करते हैं। तो मैं गलत हो सकता हूँ, निशान भाई गलत हो सकता है, लेकिन डेटा कभी गलत नहीं होता। और आपके आंखों के सामने आज डेटा है, जहाँ पे आप देख रहे हो करोड़ों 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 लोग आज कैसे बेरोजगार हो रहा है। हर महीना ये संख्या बढ़ रहा है, हर महीना बेरोजगारी की संख्या आज मार्केट में बढ़े जा रहा है। चलिए, इसके बाद आ गया, ये तो गया प्रैक्टिकल सिचुएशन, जो नया जॉब के सोच रहे हैं। अब नया जॉब तो हम पाने का चाहत रख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में क्या है? यू आर फायर्ड। फायर्ड मतलब जब आपको लात मार के कंपनी से निकाला जाता है, उसको अच्छे से बोला जाता है यू आर फायर्ड। आपको कल से नौकरी में आना नहीं है, ये जो शब्द है ये कहा जाता है नौकरी के जिंदगी में, यू आर फायर्ड। आपको कंपनी से निकाल दिया गया है, और यू आर फायर्ड का ये जो लोगो है, देखिए आज इंडिया का रियल स्टोरी क्या है, द इंडिया स्टोरी। बड़ी बड़ी कंपनी, बाइजूस, मीशो, अनअकैडमी, व्हाइटहेड जूनियर, फाउंडेड, वेदांतु, कार्स, एमपीएल, सारे लोग कितने परसेंट, 19.2%, मतलब 100 आदमी काम करता था 20 को निकाल दिया, 100 काम करता था 10 को निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या क्या, 100 लोग काम करते थे 15 को रखा, 85 लोगों को निकाल दिया। मीशो में जितने लोग काम करते थे 22% को निकाल दिया, मतलब 78% को रखा, 22% को बोला कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। ये हो गए आज के दिन में हर इंडिविजुअल कंपनी का हालत, जहां पे कोई कंपनी 85% तक निकाल रहा है, कोई 20%, कोई 10%, कोई 5%, कोई 6%, कोई 19%, कोई 25%। हर कंपनी अपना एम्प्लॉय को निकाल रहा है। हायरिंग पॉज, जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, अब हर एक कंपनी ने उसको पॉज बटन में डाल दिया है। पॉज मतलब अभी के लिए हम लोग हायरिंग नहीं ले सकते, और साथ में क्या हो रहा है, मास ले ऑफ सेशन कंटिन्यूस।
हर एक कंपनी पूरे इंडिया में आज देखा जा रहा है 1,37,492 लोग इस आप स्कीम में देखिएगा, 1,37,492 पीपल, ऐसे लोगों को आज नौकरी से निकाल दिया है एक ही कंपनी ने। 1,37,500 लोग एक साल में 2022 में इन लोगों को निकाल दिया गया है एक ही कंपनी से। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? हर कोई कंपनी में आज ये चीज चल रहा है। 73,000 वर्कर दूसरा कंपनी ने निकाल दिया, 73,000 लोगों को निकाल दिया एक कंपनी ने। ये सारे स्टैटिस्टिक्स आज आपके सामने आपको दिख रहा है। द ले ऑफ काउंट, कोई कंपनी 5,000, कोई कंपनी 2,100, कोई कंपनी 1,600, कोई कंपनी 1,150, कोई कंपनी 1,500, कोई कंपनी 3,900, कोई कंपनी 900। हर कोई कंपनी आज अपने एम्प्लॉई को बोल रहा है यू आर फायर्ड। हम लोग जहां पे पहले स्टैटिस्टिक्स में देखे कि 20 से 24 साल के लड़के को पहले तो नौकरी ही नहीं मिल रहा है, ऊपर से दूसरे पे क्या है हमारे, वो बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, उसके ऊपर वो बोलते हैं ना जले पे नमक छिड़कना। एक तो जला हुआ पार्ट है कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर नमक क्या छिड़का जा रहा है कि उसके ऊपर नमक छिड़का इसलिए जा रहा है कि सारे रिक्रूटमेंट पॉज बटन में डाल दिया गया है, ताकि पहले जो लोग थे उन्हीं को निकाल रहे तो कह लेंगे। ये सारे स्टैटिस्टिक्स, और ऐसे स्टैटिस्टिक्स आपको हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान अभी पूरा ध्यान हमारा पबजी के ऊपर है, पूरा ध्यान हमारा कैंडी क्रश के ऊपर है, पूरा ध्यान हमारा यूट्यूब के ऊपर है, पूरा ध्यान किसी का लूडो खेलने के ऊपर है, पूरा ध्यान किसी का इंस्टाग्राम के ऊपर है, किसी का पूरा ध्यान अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर टिका हुआ है। दुनिया कहाँ चल रहा है हमको कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं अपना बात समझा पा रहा हूँ? मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? यस सर, यस सर। यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ से बचने का जरिया क्या है? ये तो प्रैक्टिकल सिनेरियो ये सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम का बोल के कुछ फायदा नहीं है। हमको सोल्यूशन ढूंढना है, हमको चाहिए सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन ये है कि आपको यहाँ से बचने के लिए एक ही चीज हेल्प कर सकता है, वो है आपका स्किल्स। आपका आपको चाहिए स्किल, आपको चाहिए एबिलिटी, आपको चाहिए एक्सपीरियंस, आपको चाहिए ट्रेनिंग, आपको चाहिए कॉम्पिटेंस, आपको चाहिए लर्निंग, आपको चाहिए नॉलेज, आपको चाहिए एडवांस ट्रेनिंग, आपको चाहिए ग्रोथ। ये स्किल आपको हर एक चीज दे सकता है अपने जिंदगी में, और हमारा प्रोजेक्ट ये स्किल डेवलपमेंट को ही आगे लेके जाता है। आज हम लोग जो आईटी सेल करते हैं, हम लोग जो स्मार्ट कॉमर्स सेल करते हैं, हम लोग जो डिजिटल राइस प्रोग्राम सेल करते हैं, ये सारे प्रोग्राम आपका स्किल एनहेंस करता है। और स्किल का मतलब सिर्फ कंप्यूटर एडुकेशन नहीं, उसके साथ साथ हम लोग एक बंदे का स्पोकन इंग्लिश से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके कम्युनिकेशन स्किल से लेके हर एक चीज को डेवलप करते हैं, हाँ या ना? और यही चीज एकमात्र जरिया है जिससे आप ये जो जंगल में फंसे हुए हो इस जंगल से निकाल सकते हो। जो हम फंस गए, जो बेरोजगारी का चक्रव्यूह हम लोगों को जकड़ लिया है, ये बेरोजगारी का चक्रव्यूह से आपको अगर निकलना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका स्किल ही निकाल सकता है। बात समझा पा रहा हूं? आपका स्किल ही आपको इस बेरोजगारी के चक्रव्यूह से निकाल सकता है, बिना स्किल के आप यहां से निकल ही नहीं पाओगे। ये चीज आपको समझ लेना है। आपको ट्रेनिंग लेना है, लर्निंग लेना है, नॉलेज लेना है, ये सारे चीज आपको स्किल देगा, या तो आईटी स्मार्ट का, या तो डिजिटल राइस का, या तो स्मार्ट कॉमर्स का, या तो आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोर्स करो, या तो ऑफलाइन कोर्स करो, सेंटर में जाके पढ़ाई करो, या ऑनलाइन कोर्स करो, ये सारे चीज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक जरिया है जो आपको रोजगार दे सकता है। अगर कान में मैला भर गया है तो उसको थोड़ा क्लीन कर लो, उसको थोड़ा खाली करके फिर से सुन लो। बिना इस एडुकेशन के आज के दिन में आपके घर में रोटी नहीं आ सकता, आप एक कूटी कौड़ी नहीं कमा सकते, ये पहले अपने दिमाग में डालो। इनवाइटिंग तो बाद में करोगे, पहले अपने खुद के दिमाग में डालो। अगर आप इस चीज को दिल से मानोगे तभी जाके ना आप किसी बंदे को बोल पाओगे कि भाई तुमको आईटी स्मार्ट करना है, भाई तुमको स्मार्ट कॉमर्स में आना है, भाई तुमको डिजिटल राइज करना है। क्या अभी भी बीए बीएससी बीकॉम के पीछे पड़े हुए हो भाई? क्या अभी भी बारहवीं का पढ़ाई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, वो सब क्या?
आज के जमाने में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये स्किल चाहिए, और ये स्किल हमारा एडुकेशन देता है, आईटी स्मार्ट देता है, स्मार्ट कॉमर्स देता है, डिजिटल राइज प्रोग्राम देता है। हमारे एडुकेशन में जितने सारे प्रोग्राम्स है वो सारे, भले ही बनारस में हो, भले ही बिहार में हो, भले ही यूपी में हो, भले ही वेस्ट बंगाल में हो, भले ही नॉर्थ बंगाल में हो, जहां पर भी हो, ये एडुकेशन हमारा जो कोर्सेज है यही आपको ये स्किल दे सकता है और यही आपको नौकरी लायक बना सकता है, ताकि आप बेरोजगारी का जो ये चक्रव्यूह है यहां से निकल सकते हो। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? चलिए, ये चीज अगर क्लियर हो जाता है, इसके बाद हम देखते हैं, ये तो गया एजुकेशन वाला बात, अब आते हैं स्मार्ट वैल्यू के बारे में। क्योंकि जब हम किसी को स्मार्ट वैल्यू में लाते हैं, सिर्फ तो पढ़ाई नहीं कराते, सिर्फ एडुकेशन हम नहीं देते, उसको जिंदगी बदलने वाला एक मौका देता है, देते हैं, जिसके जरिए वो अपनी लाइफ को बदल सकता है, जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, ऐसा एक बढ़िया मौका हम उनको देते हैं। हाँ या ना? और मौका क्या होता है, हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट वैल्यू, जो एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, एक रोजगार करने का जरिया देता है। आपका उम्र अगर 18 साल है तो ये कोई भेदभाव नहीं करता, ये हर किसी को रोजगार करने का मौका देता है, ये आकाश को भी देता है, ये जॉय को भी देता है, ये रिमी को भी देता है, ये कमल को भी देता है, ये हर एक बंदे को रोजगार करने का मौका देता है। ये नहीं पूछता कि आपके घर में पैसा है या नहीं, आप शहर के हो या गांव के हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ गवार हो, आपको 80% आया कि नहीं आया, आप अमीर हो या गरीब हो, कोई कुछ नहीं पूछता। हर कोई बंदे से जो 18 साल के उम्र क्रॉस कर चुका है वो ही और भारतीय नागरिक है, हर कोई बंदा इनकम करने का लायक है, ये सोच लेके हमारा कंपनी चलता है, ये सोच लेके स्मार्ट वैल्यू चलता है, और इसी सोच के चलते हम लोग हर एक बंदे को रोजगार करने का मौका देता है। और जो मौका हम लोगों को मिल रहा है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का मौका हम लोगों को मिल रहा है, ये सोच ही देख लीजिए, 2021 से 2025 में फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या बोल रहा है, 65,000 करोड़ का बिजनेस बनने वाला है, 65,000 करोड़ ये इंडस्ट्री का टर्नओवर होने वाला है 2025 तक, 65,000 करोड़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सारे लोग आज इस इंडस्ट्री में जुड़ रहे, भले ही आप काम ना करो, भले ही आप इनवाइटिंग ना करो, भले ही आप सीनियर का बात ना मानो, भले ही आप रेगुलर ट्रेनिंग मत लो, भले ही आप भले ही आप फोर बेसिक पर काम मत करो, आप इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इंडस्ट्री, ये कंपनी आगे जा रहा है, लाखों लोग हर रोज जुड़ रहे अपनी जिंदगी बनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सभी को समझ में आ गया है कि एम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का सिचुएशन क्या है, नौकरी पाने के चांसेस क्या है, और उससे बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आज स्मार्ट वैल्यू आपको इनकम करने का दे रहा है। आज वो लोग जिनका फोटो आप लोगों ने देखा प्रीवियसली, जो अनशन कर रहे है, जो नारा लगा रहा है, जो धरना दे रहा है कि हमको नौकरी दो या तो गोली से मार दो, या तो जॉब दो या तो बुलेट दे दो, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा एक बूंद पानी का नहीं पिएंगे, भले ही मर जाए, उन लोगों को अगर कोई बंदा स्मार्ट वैल्यू का इनवाइटिंग करता, कोई अदर स्मार्ट वैल्यू का प्लान दिखाता, डायरेक्ट सेलिंग में मौका मिलता, तो आज उनको वहां पे धरना लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, वहां पे जाके अनशन करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने बलबूते पे अपने दम से मैंने कहा 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कमा लेता। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, ये है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत। अब ये डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, ये चीज आपको, ये जो स्लाइड आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो एक योलो बार है और एक रेड लाइन है। योलो बार का मतलब क्या है, ये सब देश का नाम है, आप नीचे देख रहे हो, यूएसए है, चाइना है, कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है, मेक्सिको है, फ्रांस है, मलेशिया है, इंडिया है, नीचे देश का नाम है, और येलो एक बार है और एक रेड लाइन है। ये चीज आप ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। पहले देखिए चाइना, जिनका पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, हाँ या ना? हम लोगों को पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना का, नंबर वन है चाइना। नंबर टू में कौन आता है, नंबर टू में आता है हमारा, रुकिए मैं आपको,
दिख रहा है और डायरेक्ट सेल्स टर्नओवर दिख रहा था। ये चाइना वाला दिख रहा है? हाँ दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा। चलिए देखिए, चाइना नंबर वन पे है और दूसरे जगह पे रेड लाइन को देखिए, 123 करोड़ जो दिखा रहा है वो है इंडिया। मतलब पॉपुलेशन में नंबर वन चाइना, दूसरा है इंडिया, तीसरा है यूएसए और उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद मेक्सिको, यहाँ पे जापान। ये पॉपुलेशन का लाइन है। इंडिया का लाइन पॉपुलेशन में सेकेंड, वर्ल्ड में हम लोग दूसरी नंबर पे है। लेकिन जब बिजनेस का बात आता है, डायरेक्ट सेलिंग में कितना बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, चाइना बिजनेस करता है 240,000 करोड़, मतलब 2,40,000 करोड़ उनका सालाना रेवेन्यू है, सालाना बिजनेस होता है चाइना में। उनका पॉपुलेशन है 140 करोड़ और इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़, लेकिन हमारा रेवेन्यू कितना है, सिर्फ 12,031 करोड़, सिर्फ 12,000 करोड़ और उनका कितना, 2,40,000 करोड़। सोच के देखिए, ब्राजील या फिर आप कोरिया को ले लिए, जिनका पॉपुलेशन कितना है, सब मिला के होगा 4 करोड़ 5 करोड़, उनका रेवेन्यू कितना है, 1,00,000 करोड़। ब्राजील 80,000 करोड़, मेक्सिको 40,000 करोड़, फ्रांस 40,000 करोड़, मलेशिया 60,000 करोड़ और इंडिया का 135 करोड़ पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारा रेवेन्यू है सिर्फ 12,000 करोड़। और जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया था, ये जो प्रीवियस स्लाइड था, कि आज यही संख्या 65,000 करोड़ में जाने वाला है 2025 तक, और आगे तो ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भारतवर्ष में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो है किसी के पास नहीं है, वो है आबादी। इतनी जनसंख्या है और इतने सारे यंग यूथ है, इस रूम में, इस ट्रेनिंग रूम में बैठे 200-250 लोग, हर कोई बंदा करोड़पति बन जाएगा तब भी लोग बचे रहेंगे। इंडिया का मजा ही यही है कि हमारे यहाँ पे ये इस रूम में 200 लोग, 200 के 200 लोग करोड़पति बन जाएंगे, फिर भी यहाँ पे करोड़ों 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 लोग पड़ा रहेगा। इतना बड़ा ये इंडस्ट्री है जहाँ पे आज हम लोग काम कर रहे हैं। स्मार्ट वैल्यू क्यों हमारा भविष्य बन सकता है, ये चीज है। और आप नौकरी का स्टैटिस्टिक्स देखते हो, जहां पे देखते हो लाखों लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं और चांस मिलेगा 200 को, 300 को, करोड़ों ने एग्जाम में फॉर्म भरा, चांस मिलेगा 15,000-20,000 को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी खुला पड़ा है, 12,000 करोड़ में ये इंडस्ट्री है और 65,000 करोड़ तक जाने वाला है। जो इन्वाइटिंग करेगा, जो एसटीपी करेगा, जो दिल लगा के बिजनेस करेगा, वही बंदा आगे बढ़ेगा। ये चीज आप लोगों को समझना है, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको समय से पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, समय से पहले काम करना पड़ेगा। आज जमाना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। इस जमाने पे अगर डायरेक्ट सेलिंग आपने नहीं किया, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आपको सर पटकना पड़ेगा, दीवार पे जाके सर पटकोगे कि तब क्यों नहीं किया, क्योंकि तब कर लेता तो आज मेरी जिंदगी बन जाती। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? चलिए देखिए, हर साल ये ग्रो कर रहा है। 2017 में 119 मिलियन लोग थे, 2019 में 120, 2022 तक 2020 तक 125 मिलियन लोग, मतलब 125 मिलियन मतलब होता है 12 करोड़ 50 लाख लोग। और आज के दिन में ये बताया जा रहा है 2025 तक इंडिया के 130 करोड़ आबादी में कम से कम 25 से 40 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लड़कियां बहुत धमाल मचा रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी। आज 74% लड़कियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में राज कर रही है और सिर्फ 26% लड़के हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 26% लड़के काम कर पा रहे, 70 लड़कियां एकदम उखाड़ के फेंक रही है लड़कों को। ये ऐसा एक इंडस्ट्री है। जितने भी सारे हमारे फीमेल एसोसिएट, गर्ल्स एसोसिएट यहाँ पे है, उनके लिए कितना बढ़िया न्यूज है, आप देखिए स्क्रीन पे, आप देख रहे हो 74% वुमन ऑन 26% मेन। ये एक जगह है जहां पे आज लड़कियां लड़कों पे भारी है। एक लड़की अगर दिल लगा के काम करे तो डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे उसको इज्जत मिलता है, वो सेफ्टी है, वो सिक्योरिटी है।
यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करता, यहाँ पे कोई गंदा गेम नहीं खेलता, यहाँ पे आपके साथ कोई गंदा काम नहीं होगा, आपका सेफ्टी सिक्योरिटी ये सबसे आगे ध्यान में रखा जाता है। आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो, अपने घर बैठ के काम कर सकते हो, अपने गांव में अपने शहर पे रह के काम कर सकते हो। आपको पैसा कमाने के लिए घर से दूर नहीं जाना है, आपको पैसा कमाने के लिए कुछ गलत काम नहीं करने हैं, आपको पैसा कमाने के लिए कुछ गलत संगत में नहीं रहना है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? आप अपना इज्जत को बरकरार रख के अपने समय से अपने परिवार को बरकरार रख के काम करने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता होता है डायरेक्ट सेलिंग। और यही कारण है कि 76% वुमन आज इस इंडस्ट्री में राज कर रहा है। लड़के लोग कम पर जा रहे हैं, लड़के लोगों को सक्सेस में लड़कियां बीट करके आगे निकल रही है। तो यही चीज होना चाहिए और हम लोग चाहेंगे ये संख्या और बढ़े और लड़के भी आगे आए। चलिए, अब डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है, ये अगर हम सोचते हैं तो इसके पीछे दो चार कारण आता है। पहले, नो रिस्क बिजनेस ओनरशिप। कोई रिस्क नहीं है हमारी इस बिजनेस में। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा बिजनेस करने जाता है तो पहले जोता है रिस्क की बात। एक बंदा अपना दुकान लगाया, अपना फैक्ट्री लगाया, एक दुकान खोला और अचानक से 3 महीना लॉकडाउन हो गया, तो उसको रिस्क क्या था? वो एक पैसे का बिजनेस नहीं हुआ, कल सारी कंपनी बैठ गई, सारे मशीन बैठ गए, पूरा दुकान में कोई आ नहीं रहा, एक पैसे का बिक्री नहीं हुआ। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको ऑफिस भाड़े में नहीं लेना पड़ता, हमको किसी को नौकरी में रखना नहीं पड़ता, सारा काम कंपनी करता है। कंपनी ने 1000 सेंटर बना दिया है, कंपनी ने 40 ऑफिस बना दिया है, कंपनी ने 500 डीमार्ट बना दिया है, कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दिया है, कंपनी ने सारे प्रोडक्ट बना दिए, कंपनी ने सेंटर बना दिया, कोर्स बना दिया, कोर्स बनाने के लिए टीचर बना दिया, टीचर बनाने के बाद कैसे होगा वो सारे सेट कर दिया, उसके बाद सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा ये सारे सेट कर दिया, उस कंपनी ने कर दिया। इसके लिए हमारा कोई रिस्क इस बिजनेस में है ही नहीं, जीरो रिस्क। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम, इंडिविजुअल सेट देयर ओन फाइनेंशियल गोल और बिजनेस प्लान एंड पेस। हम लोग जो रोजगार करते हैं वैसे हम लोगों को ये एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, जो इनकम है वो हमारे हाथ में है, हम कितना इनकम करेंगे ये हम लोग डिसाइड करेंगे और कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, आज एक स्टूडेंट पढ़ाई करते करते ये बिजनेस कर सकता है, एक जॉब करने वाला जॉब करते करते कर सकता है, एक बिजनेस करने वाला बिजनेस करते करते कर सकता है, एक हाउसवाइफ घर का हर एक काम करने के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग स्मार्ट वैल्यू कर सकता है। एक स्टूडेंट कॉलेज में जाएगा, पढ़ाई करेगा, साथ में स्मार्ट वैल्यू करेगा, 12वीं पढ़ेगा, एग्जाम भी देगा, साथ में स्मार्ट वैल्यू करेगा, ये मौका सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में मिलता है। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, ये सबसे बड़ी बात है, आपको ट्रेन किया जाता है जिंदगी के हर एक पहलू के लिए, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू के लिए नहीं, सिर्फ इनवाइटिंग, सिर्फ एसटीपी के लिए नहीं। आज जो हम लोगों ने बात किया यहाँ पे, तो हम लोगों ने 4 बेसिक का बात किया ही नहीं, लेकिन आज जो आपको जानकारी मिला, आज जो आपको ये ट्रेनिंग मेंटरशिप मिला, ये जिंदगी में आपको काम में लगेगा। आपको ये दुनिया का बारे में पता चला कि आज वास्तव में क्या चल रहा है। घर बैठ के आंख बंद कर देने से दुनिया अंधा नहीं हो जाएगा। वो खरगोश करता है ना, खरगोश अपना आंख बंद कर लेता है तो उसको लगता है दुनिया उसको नहीं देख पा रही है, ऐसा नहीं होता है। आपको दुनियादारी समझनी पड़ेगी, आज का आपको जॉब मार्केट का समझना पड़ेगा, बेरोजगारी क्यों हो रहा है समझना पड़ेगा, और आपको इस जो दंगल में आप फंस गए हो, जिस जगह पे आप अटक गए हो, जो चक्रव्यूह आपको घेर लिया है, उस चक्रव्यूह से घेरने के लिए, बाहर निकलने के लिए आपके अंदर वो चीज चाहिए कि आपको जो ट्रेनिंग और मेंटरशिप चाहिए वो आपको स्मार्ट वैल्यू देता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है, परफॉर्मेंस को रिवार्ड मिलता है। आप परफॉर्म करते हो, आप काम करते हो, तो आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता, उसके साथ आपको रिवार्ड भी मिलता है। आपको नेशनल ट्रिप मिलता है, आपको फॉरेन ट्रिप मिलता है, आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, आपको हर साल घूमने जाने का मौका मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। ये सारे चीज एक आम जिंदगी में कोई पा ही नहीं सकता, भले ही वो 5,000 का नौकरी कर ले, 10,000 का नौकरी कर ले, आप जिंदा तो रह जाओगे। जब तक आपको ऊपर वाले का बुलावा नहीं आएगा आप जिंदा तो रह जाओगे, लेकिन आप जिंदगी जी नहीं पाओगे। और नेटवर्किंग मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केट में क्या फर्क हो रहा है आपको स्क्रीन में दिख रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको आपका सीनियर हाथ पकड़ के ऊपर उठाता है, लेकिन बाहर के मार्केट प्लेस में कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, उल्टा लोग धक्का देके गिरा देते हैं, आपको अपने बलबूते पे करना पड़ेगा। आज हमारे पास जो जानकारी है हम लोग वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
आप लोग ये समझो, इसीलिए ये प्रेजेंटेशन रात जग के मैंने बनाया ताकि आप लोगों को ये महसूस हो, ये जो सपोर्ट है ये दुनिया में कहीं पे किसी कोई आपको करने नहीं वाला। क्योंकि पैसा किसका है भाई, जिंदगी किसका है, आपका है। आज जब जॉयंतों को चेक मिलता है, जॉय को चेक मिलता है, कमल को चेक मिलेगा, मनीष को चेक मिलता है, विकास को चेक मिलता है, पापिया को चेक मिलेगा, प्रमोदेश को चेक मिलेगा, पवित्र को चेक मिलेगा, रत्ना को चेक मिलता है, आप लोग हमको कितना पैसा दे दो भाई। सर मेरा एक 4,500 का पेमेंट आया, आपने तो मेरा इनवाइटिंग का ट्रेनिंग दिया, आपने मेरे को एसटीपी सिखाया, आपने मेरा एसटीपी करके दिया, आपने मेरा फीडबैक करके दिया, ये लीजिए 2,000 आप रखिए। कोई बोलेगा, कोई बोलता है, कोई नहीं ना बोलता है, तो हम लोग क्यों करें भाई। ये ही स्मार्ट वैल्यू का खासियत है कि आपको कैसे सफल होना है इसके बारे में कोई दूसरा चिंता करता है, कोई दूसरा सोचता है। आप स्मार्ट वैल्यू के बाहर जाओगे तो कोई दूसरा इसके बारे में सोचने नहीं वाला। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को? यस सर, यस। ये चीज अगर ठीक होता है, अभी हम लोग जिस बारे में बात करेंगे कि आज हम लोगों को स्मार्ट वैल्यू करना है, ये बात तो तय है, ये बात तो क्लियर है, हम लोगों को सर स्मार्ट वैल्यू करना है, ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गया। क्यों करना है ये चीज क्लियर हो गया। मार्केट का हालत, अपनी औकात पता होनी चाहिए, हमारा अपनी औकात समझ में आ गई कि हम लोग कुछ भी कर ले, आप अपने आप को बहुत बड़ा टीज मार खान समझ सकते हो।